हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लवली इनू फाइनेंस के ऊपर। जी बिल्कुल, लवली इनू का स्लोगन आजकल कुछ इस तरह चल रहा है कि एक्सपेंडिंग इकोसिस्टम एग्रेसिवली इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। जी बिल्कुल, लवली इनू अपना पूरी की पूरी कोशिश करने जा रहा है कि वो अपने इकोसिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करें, स्पेशली वो जो अपनी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, जैसे इनका जो स्वैप है, एक्सचेंजेस है, इनकी चेन है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वो लवली इनू फाइनेंस के ऊपर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में वो जो घंटे का आइकॉन आप लोगों को दिखा दे रहा है, जल्दी जल्दी जाके इसको प्रेस करें, क्योंकि आई डोंट केयर आप क्या करते हैं, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब ही करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं। सो यहाँ पे विदाउट बी वेस्टिंग एनी टाइम बात करेंगे लवली इनू की। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं इसकी प्राइस की करंट कंडीशन, करंट हालात। तो भाई 2689 नंबर में करंटली लवली इनू रैंक कर रहा है, 6935 इसकी लास्ट में हमें प्राइस देखने को मिल रही है, और पिछले 24 घंटों में ये 2.07% डाउन जा चुकी है, और बीटीसी के हिसाब से 0.23% डाउन जा चुकी है, और इथेरियम के हिसाब से 1.24% बढ़ रही है पिछले 24 घंटों में। तो वहीं पे इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसकी कंडीशन देख लें, इसके हालात देख लें। तो भाई इसके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम की जो कंडीशन है वो पिछले 24 घंटों में इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 0.16% करंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई ये तो करंट हालात है लवली इनू फाइनेंस के। वहीं पे अगर हम बात करें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो भाई हमारा जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो क्या कह रहा है, तो उनके हालात हम देखते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी मार्केट किन कंडीशन के ऊपर किन हालात के साथ मूव कर रही है। तो भाई हमारा जो आज जो स्कोर है वो 28 स्कोर के साथ फेयर में देखने को मिल रही है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि 26 स्कोर के साथ मार्केट फेयर में थी, लास्ट वीक 21 स्कोर के साथ, और लास्ट मंथ 34 स्कोर के साथ जो मार्केट थी वो फेयर में थी। तो भाई मार्केट के ये करंट हालात है। वहीं BTC की बात की जाए तो भैया जो BTC है वो पिछले 24 घंटों में 1.86% डाउन जा चुका है, और तकरीबन अभी 16,000 से अबव मूव कर रहा है, लेकिन 70,000 से बिलो मूव कर रहा है, और $1,174 पे करंटली इथेरियम हमारा मूव कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में 3.31% डाउन जा चुका है, BNB 5.4% डाउन जा चुका है। वहीं पे अगर हम देखें XRP की बात करते हैं, वो भी 3.88% डाउन जा चुका है, Dogecoin 2.17% डाउन जा चुका है। तो ये ओवरऑल करंट कंडीशन है, करंट हालात है हमारी मार्केट की। तो बात करें लवली इनू फाइनेंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो भाई लवली इनू का इकोसिस्टम में उन्होंने फाइनली एक लोगो इंट्रोड्यूस करवाया, एक डिजिटल आपको 3D लुक देखने को मिलेगा लवली स्वैप का। एडमिट के ये अपना काम पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं लवली स्वैप के ऊपर, लवली स्वैप और ओवरऑल लवली की जो रीब्रांडिंग के ऊपर इनका जो काम है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि टोकन सून क्वाइन, जी बिल्कुल, इनका कहना है कि भाई हमारी जो चेन है वो जल्द से जल्द आने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप किसी और के टोकन में काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक चेन के ऊपर काम करते हैं तो आप टोकन कहलाते हैं। जैसे अगर बाइनेंस की चेन पे कोई टोकन है, जो कोई क्वाइन होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, टोकन होते हैं। लेकिन अगर बाइनेंस का जो खुद का जो क्वाइन होता है वो क्या कहता है, चेन के क्वाइन कहलाता है। तो इसी वजह से लवली इनू अभी खुद को टोकन कहला रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे इनकी चेन रिलीज होगी या अपने चेन पे आ जाएगा तो वो खुद को क्वाइन कहलाएगा। ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, भाई लवली इनू सून हमें क्वाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो चेन है वो हमें जल्द से जल्द देखने को मिल रही है। तो भाई ओवरऑल लवली इनू अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं पे इनके गिव अवेज भी चल रहे हैं, आप इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, और फाइनली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हमें फाइनली लवली इनू के जो स्वैप के जो है जीरो फी के साथ जो हमें बिलबोर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं लवली इनू फाइनेंस के। तो भाई लवली ओवरऑल पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है खुद को आगे लेके जाने के लिए, ओके एक्स पे भी इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है। वहीं पे अगर हम देखें तो भाई इनका जो चैन है वो काफ़ी हाईली फाइड कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका जो चैन है वो कह रहा है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपको दूंगा, कम और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड भी आपको दूंगा, वो भी सारी चीज़ें कम फीस में दूंगा। अगर वाकई ये ऐसी चीज़ें डिलीवर करेगा तो लवली इनू अपना जो नाम है वो खुद रोशन कर सकता है। तो आपका पोजिशन में ज़रूर बताएं कि आप लवली इनू के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे भी देखिए छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।